हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो आपको साथ में इसकी क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या, साहित्य के क्षेत्र में। अगर आपसे पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1965 में की गई थी। कब की गई थी? 1965 में की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 22 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो ये भी हमें याद रखना है, 11 लाख रुपए की राशि। कितनी? 11 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, ठीक है। और हमें यहाँ पर और क्या याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्रथम किसे दिया गया था, तो आपको याद रखना है जीएस ग्रुप को। किसे दिया गया था? फर्स्ट किसे दिया गया था? फर्स्ट दिया गया था जीएस ग्रुप को। जीएस ग्रुप को फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और फर्स्ट महिला कौन थी, फर्स्ट महिला कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो उनका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, आशा पूर्णा देवी। तो कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी जिन्हें फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पर क्या क्या जानकारी याद रखनी है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो 1965 में की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 22 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है और इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जीएस ग्रुप को दिया गया था। और फर्स्ट महिला कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो उनका नाम क्या था? आशा पूर्णा देवी। तो इतनी बातें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। अगर बात करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे, तो हम इसको भी याद रख लेते हैं कि संस्थापक कौन थे इसके, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे, तो साहू शांति प्रसाद। कौन थे? साहू शांति प्रसाद इसके संस्थापक थे, जिनके द्वारा यह पुरस्कार शुरू किया गया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपसे पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी का किसे दिया गया, तो आपको याद रखना 2018 में दिया गया था। किसे दिया गया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, तो अमिताभ घोष को दिया गया था। किसे दिया गया था, तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, अमिताभ घोष को दिया गया था। अमिताभ घोष को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है, खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार ये कब शुरू किया गया था, तो अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था, तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जल्दी से आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार को संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ग्रैमी पुरस्कार से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, आंसर दीजिए, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में
नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर ग्रेमी पुरस्कार में पूछ लिया जाए कि ये किसके द्वारा दिया जाता है या फिर कहाँ पर इसे दिया जाता है, तो आपको याद रखना ग्रेमी पुरस्कार जो है ये कहाँ पर दिया जाता है, लॉस एंजिल्स में दिया जाता है। कहाँ पर? लॉस एंजिल्स में ग्रेमी पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रेमी पुरस्कार फर्स्ट भारतीय कौन थे जिसे ये दिया गया, तो ग्रेमी पुरस्कार जो है किस फर्स्ट भारतीय को दिया गया, तो आपको याद रखना पंडित रविशंकर। कौन, किसको दिया गया? पंडित रविशंकर को फर्स्ट ग्रेमी पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और कब दिया गया था, तो आपको यह भी ध्यान रखना 1967 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। और इन्हीं के साथ में अन्य भारतीयों को भी दिया गया, जाकिर हुसैन को दिया गया तबला के क्षेत्र में, ठीक है, A.R. रहमान को भी दिया गया संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरस्कार है कि रमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो रमन मैगसेसे पुरस्कार को फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और यह जो पुरस्कार है, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या था? रेमन मैगसेसे। ठीक है, तो उन्हीं की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, तो इन्होंने इसकी स्थापना 1957 को की थी। और रमन मैगसेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है, इसे एशिया का नोबल पुरस्कार भी कहते हैं। इसे एशिया का क्या बोलते हैं, इसे एशिया का नोबल प्राइज भी कहा जाता है। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रमन मैगसेसे पुरस्कार जो है ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रमन मैगसेसे पुरस्कार जो है फर्स्ट किस भारतीय को दिया गया था, तो आपको याद रखना है ये फर्स्ट किस भारतीय को दिया गया था, फर्स्ट भारतीय कौन थे, जल्दी से बताइए फर्स्ट भारतीय कौन थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, तो विनोबा भावे। किसको दिया गया था, तो विनोबा भावे को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि करंट में किसको दिया गया, तो आपको याद रखना 2019 में यह पुरस्कार किसको दिया गया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो रवीश कुमार को भी यह पुरस्कार दिया गया था। किसको? रवीश कुमार को। और रवीश कुमार का संबंध किससे है, तो इनका संबंध किससे है, पत्रकार है। ये कौन है? पत्रकार है। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और इससे मिलता जुलता एक और पुरस्कार है जिसका नाम क्या है, प्रीतिजकर पुरस्कार। क्या नाम है? प्रीतिजकर पुरस्कार। तो प्रीतिजकर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? आर्किटेक्ट के क्षेत्र में। पेपर में जो है बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको दोनों को ही याद रखना है। तो ये किस में दिया जाता है, वस्तुकला के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं वस्तु और या फिर वस्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार जो है ये साइंस के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कलिंग पुरस्कार जो है यह किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है यह उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता है। और कलिंग पुरस्कार की शुरुआत जो है किसने की थी, तो ये नवीन पटनायक जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यहाँ से और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी,
तो 1952 में कलिंग पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो 1952 में कलिंग पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और यह किसके द्वारा की गई थी? तो बीजू पटनायक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बीजू पटनायक के द्वारा। और बीजू पटनायक कौन थे? ये उड़ीसा के क्या थे? पूर्व सीएम। उड़ीसा के क्या है? पूर्व सीएम है, ठीक है। इनके द्वारा शुरुआत की गई थी। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता कि कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता, तो आपको याद रखना उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में धनवंतरी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सरस्वती सम्मान जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? जल्दी से आंसर दीजिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश के द्वारा की गई? इससे पहले हम देख लेते हैं सरस्वती सम्मान। जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है, अधिकांश बच्चों को ये क्वेश्चन का आंसर पता है। तो सरस्वती सम्मान जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई थी? तो सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में की गई थी। और यह किसके द्वारा की गई थी? तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और इसी के द्वारा ही व्यास सम्मान भी दिया जाता है, ठीक है। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो सरस्वती सम्मान है कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, सही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सरस्वती सम्मान किस फर्स्ट भारतीय को दिया गया था, ठीक है, तो पहला भारतीय कौन था जिसे यह सम्मान दिया गया था? पहला भारतीय कौन था जिसे सरस्वती सम्मान दिया गया? तो आपको याद रखना हरिवंश राय बच्चन। कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन थे जिन्हें यह पहला पुरस्कार दिया गया था। तो चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार की स्टैब्लिश कब की गई थी ये भी बता दीजिए। नोबेल पुरस्कार की स्टैब्लिश कब की गई थी? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और इससे पहले यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। तो आपको याद रखना है कि 1968 से कौन सा क्षेत्र और इसमें शुरू कर दिया गया, तो अर्थशास्त्र को भी इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार जो है ये किस तिथि को दिया जाता है, तो आपको याद रखना ये कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि इसमें एक शांतिगत नोबेल प्राइज दिया जाता है। कौन सा? शांतिगत नोबेल प्राइज दिया जाता है। बाकी सारे प्राइज जो है स्वीडन में दिया जाता है, बट शांतिगत जो प्राइज है ये कहाँ पर दिया जाता है? तो ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। कहाँ पर दिया जाता है? तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में यह प्राइज शांति का दिया जाता है, ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद रखना फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में। 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। और किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। तो आपको ये 6 के 6 क्षेत्र भी याद रखने होंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे सामने, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो किसकी स्मृति में दिए जाते हैं, तो ये अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किए जाते हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किए जाते हैं? तो 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो डिटेल है वो हम सबसे पहले शुरू में ही देख चुके थे, तो इसलिए हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरस्कार। ठीक है, तो आपको याद रखना जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो 1985 में शुरू किया गया। तो कब शुरू किया गया था? 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार को शुरू किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुए? तो हम इसको भी पीछे कवर कर चुके हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में शुरू किए गए थे। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और भारत रत्न के साथ साथ और कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। ठीक है, तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में की गई थी। भारत रत्न जो है ये भारत का क्या था? ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, कौन से नंबर का? फर्स्ट नंबर का। भारत का फर्स्ट सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो गया? ठीक है, और सेकंड नंबर पर कौन सा हो गया? पद्म विभूषण। और थर्ड पर कौन सा हो गया? पद्म भूषण। और फोर्थ पर कौन सा हो गया? पद्म श्री। आपको इनका क्रम इसी तरीके से याद रखना, क्योंकि ये पेपर में इसी तरीके से पूछ लिया जाता है। ठीक है, सही है, तो ये चीजें भी आपकी ध्यान रखनी है, आपको क्रम आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो आपको याद रखना है कि 1930 में कब दिया गया था? तो 1930 में किसे दिया गया था? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये कौन थे सीवी रमन? प्रथम वैज्ञानिक थे। ये कौन थे? ये प्रथम वैज्ञानिक थे। ये कौन थे? ये थे प्रथम वैज्ञानिक। प्रथम वैज्ञानिक थे भारत के जिन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सही है, अब क्या बात करते हैं यहां पर भारत रत्न की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत रत्न प्रथम किसे किसे दिया गया था, तो आपको याद रखना है एस राधा कृष्ण को, सी राज गोपालाचारी को, और इसी के साथ में सीवी रमन को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तीनों को ही कब दिया गया था? तो 1954 में भारत रत्न दिया गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किससे संबंधित? मैन बुकर पुरस्कार से। जैसे कि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा 1968 में। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्थापित किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली
पहली महिला कौन थी, तो उनका नाम क्या था, आशा पूर्णा देवी। अगर पूछा जाए कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आपको याद रखना जीएस कुरुप को दिया गया था फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी, तो सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और व्यास सम्मान की भी स्टैब्लिश किसके द्वारा कर दी गई थी, तो के के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान की स्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था, तो तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है तानसेन सम्मान, सही है, तो इसलिए तानसेन सम्मान आपको याद रखना होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्यास सम्मान की शुरुआत कब की गई थी, तो 1991 में व्यास सम्मान की शुरुआत के बिरला फाउंडेशन के ही द्वारा की गई थी, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट किसको दिया गया था, तो रामविलास शर्मा को, किसे दिया गया था, रामविलास शर्मा को फर्स्ट व्यास सम्मान दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या होगा, श्रीमती देविका रानी। तो किसे दिया गया था, तो श्रीमती देविका रानी को दिया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो देविका रानी को, ये किस सन में दिया गया था, तो आपको याद रखना 1969 में। यही सेम क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था, तो श्रीमती देविका रानी को दिया गया था। किस सन में दिया गया था, तो ये दिया गया था 1969 में। कब दिया गया था, 1969 में दिया गया था, ठीक है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत है ये कब की गई थी, तो 1969 से ही इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो उनका नाम क्या, आचार्य विनोबा भावे को पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो 1930 में सीवी रमन को रमन इफेक्ट की खोज के लिए, किसके लिए, रमन इफेक्ट की खोज के लिए 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वर्ष 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया, तो सन 1969 में, ठीक है, जो स्वीडन की जो बैंक है, तो स्वीडन की जो बैंक है ना, उसके द्वारा सन 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हो गई, ठीक है। जिससे मिला करके टोटल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, उससे पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है, तो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ऑस्कर पुरस्कार जो है ये नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार, बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसलिए यह पुरस्कार भी हमें याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन है, उनका नाम क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो सरस्वती सम्मान प्रथम किसे दिया गया था? तो हरवंश नारायण बच्चन को सरस्वती सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो प्रथम डॉक्टर एस राधाकृष्णन को प्रथम भारत रत्न दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो मरणोपरांत के बाद ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत के बाद भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो किसे दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। तो भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ये प्रथम विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा जिसने अभी तक लाइक नहीं की। और आपको इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है क्विक स्टडी -2। तो यहाँ पर भी आपको इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलते हैं।